हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीवुड में। बिग बॉस के घर जाने सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें बॉलीवुड को। दोस्तों, आज फ्राइडे है और आज आपको देखने को मिलने वाला है काफी भयंकर एपिसोड, जहां पे दोस्तों कुछ अलग ही सिनेरियो घर के अंदर बनता हुआ नजर आएगा। दोस्तों सभी बातें करेंगे आज, आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप किसे चाहते हो, कौन सी टीम लग्जरी बजट आइटम जीते। मैं आपको टीम बताऊंगा आगे। तो दोस्तों आपको बता दूं कि आज क्या क्या होगा, उससे पहले कल की थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। दोस्तों कल हमने देखा एपिसोड के स्टार्टिंग में कि टास्क जो कैप्टेंसी टास्क हो रहा था वो फिर से एक बार रद्द हो गया। जैसा कि मैंने आपको कल ही बता दिया था कि टास्क रद्द हो चुका है। और दोस्तों टास्क रद्द होने के पीछे कारण था एग्रेसिव होना, रश्मि देसाई, आशिम, अरहान ने तोड़फोड़ कर दी। हालांकि वो इसलिए तोड़फोड़ किया क्योंकि पारस छाबड़ा ने कहीं ना कहीं अपनी मनमर्जी दिखाई थी पूरे टास्क के दौरान, जिसकी वजह से सभी गुस्से में आ गए थे और सभी ने तोड़फोड़ कर दी। हालांकि तोड़फोड़ करना एक सॉल्यूशन नहीं था। अब दोस्तों आगे हमने देखा कि पारस छाबड़ा आउट हो गए घर से क्योंकि उनकी सर्जरी होनी थी फिंगर की, जिस वजह से वो आउट हुए। लेकिन वो फिर से ही आज ही अंदर आ जाएंगे, लेकिन आज का एपिसोड में पता नहीं दिखाया कि नहीं दिखाएगा, हो सकता है रात को आए। और दोस्तों वहीं पर हमने देखा कि आगे देखने के बाद शहनाज काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाती है, उसके साथ ही माहिरा शर्मा भी काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाती है। हालांकि अगले दिन हमने देखा दोस्तों कि काफ़ी ज़्यादा लड़ाई देखने को मिला माहिरा शर्मा और रश्मि देसाई के बीच में। फिर हमने देखा दोस्तों कि एक बार फिर से प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए नजर आए सिद्धार्थ के विरुद्ध में सभी घर वाले, शहनाज को छोड़ करके सभी घर वाले ने प्लानिंग की कि उन्हें कैसे डाउन करना है। वहीं दोस्तों कल हमने एक बड़ी चीज़ देखी कि हिंदुस्तानी भाव ने हिमांशी की बात सुन के, और वो कभी किसी पे बोलते नहीं, हिमांशी की बात सुन के आए और पूरी तरह से सिद्धार्थ पे चढ़ गए कि आपने कैसे ऐसे बोल दिया। जबकि दोस्तों कल ही हमने देखा था परसों वाले एपिसोड में कि भाऊ काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे सिद्धार्थ की, और कल हमने देखा कि हिमांशी की बात सुन के आए और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला था कि जिस पर इतना ज़्यादा रिएक्ट किया जा सकता था। हालांकि वो उनकी मर्जी है, वो उनको जैसा सही लगता है वो सही बात है, लेकिन दोस्तों हमने देखा कि कहीं ना कहीं उन्होंने ज़्यादा रिएक्ट कर दिया। हालांकि काउंटर अच्छा किया फिर सिद्धार्थ ने और कहते हुए उनको रियलिटी चेक करवाया कि आपने कुछ दिन पहले ही मुझे मेरी तारीफ की थी, अब यहाँ कर रहे हैं। तो दोस्तों लोग भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें देख रहे हैं। अब दोस्तों आज के एपिसोड की बातें कर ले, आज आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है। दोस्तों आज आप देखेंगे घर की जो सिनेरियो बनी हुई है कि ऑल वर्सेस सिद्धार्थ शुक्ला, ये कहीं ना कहीं हमें घर के अंदर देखने को मिल रहा है, और आज भी हमें स्टार्टिंग में वही देखने को मिलने वाला है। अरहान विद ऑल प्लानिंग करते हुए आएंगे कि सिद्धार्थ को कैसे डाउन किया जाए, उन्हें कैसे अब खत्म किया जाए गेम के अंदर से। वहीं पे दोस्तों हम देखेंगे कि शेफाली जड़ीवाला और हिमांशी खुआना आसिम को समझाते हुए नजर आने वाली है फिर से एक बार कि वो आगे ना आए सारी चीज़ों में। रश्मि और अरहान चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो उनको आगे कर दे, अपना बदला आसिम से दिलवाए सिद्धार्थ के लिए। जहाँ पे दोस्तों सच में हम ये देख रहे हैं कहीं ना कहीं इंस्टिगेट कर रहे हैं रश्मि देसाई अरहान आसिम को कि कहीं ना कहीं वो जाए और सिद्धार्थ को वो कुछ बोल दे, जिसकी वजह से इन दोनों में और फाइट ज़्यादा हो। हालांकि आसिम फिर ये बात है जा करके रश्मि को और अरहान को बोलते हुए नजर आए कि सिद्धार्थ को मैं, अगर सिद्धार्थ से मेरी लड़ाई होगी, अगर सिद्धार्थ से मैं लड़ूंगा तो आप लोग कोई नहीं आएंगे। तो इससे ये पता चलता है कि आसिम कहीं ना कहीं अब सिद्धार्थ को सॉफ्ट टारगेट समझ रहे हैं और कहीं ना कहीं वो उनको इंस्टिगेट करने के पीछे लगे हुए हैं। हालांकि वो उनकी गेम प्लानिंग है बिल्कुल सही है, वो अपने जगह पे, जो कि अच्छी बात है कि उन्हें भी गेम में रहना है और सारी चीज़ें करनी है जिससे वो जीत सके, अच्छी बात है वो। और दोस्तों अब आगे बात करेंगे आज के लग्जरी बजट टास्क के बारे में। दोस्तों आज बिग बॉस घर में देने वाले हैं लग्जरी बजट टास्क, जिसको लेकर के पिछले हफ्ते काफ़ी कुछ घर के अंदर बवाल हुआ। अब दोस्तों आज के टीम है शहनाज गिल और टीम अरहान। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके जो बताइए कि आप किसे जाते हो, कौन जीते लग्जरी बजट टास्क। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि टास्क में क्या क्या होगा। दोस्तों फिर से एक बार सिद्धार्थ और आसिम एक टीम में होंगे दोस्तों, जहां पे सिद्धार्थ और आसिम प्लानिंग करते हुए नजर आएंगे। हालांकि सिद्धार्थ को आसिम बोलेंगे कि मैं अकेला ही खेलूंगा, तो जहां पे सिद्धार्थ बोलेंगे अच्छा तू अकेला ही खेलेगा, तू अकेला ही सोचेगा, तो ठीक है। फिर वहाँ पे दोस्तों हम एक चीज़ और देखेंगे कि कहीं ना कहीं आसिम चाहते हैं कि शहनाज जाए, लेकिन फिर सिद्धार्थ के समझाने पे उन्हें लगेगा कि अरहान उधर ज़्यादा फास्ट है तो आपको ही जाना चाहिए, तो फिर शायद आसिम जाएंगे। और आपको बता दो दोस्तों कि आसिम जाएंगे जरूर अरहान से लड़ने, और फिर एक दिखने वाला है हमें फिजिकल फाइट। जी हाँ दोस्तों, ये
टास्क में फिजिकल होना इस बार तो लगता है बिल्कुल सरेआम हो रहा है। कल हमने देखा था कि सिद्धार्थ आसिम के बीच में हो गया, आज आसिम और अरहान के बीच में आपको दिखेगा फिजिकल फाइट, जो कि अब देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या बिग बॉस फिर से इस टास्क को भी कैंसिल कर देते हैं या ये टास्क चलेगा। ये देखना दोस्तों काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। वीडियो को लाइक करना ना भूले। फर्दर अपडेट्स के लिए बिग बॉस के घर से सब्सक्राइब करें। बॉलीवुड को देखते रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए।